देखिए 55 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ेदार एकदम। आप करके भी देख सकते हैं। एक ठोस छड़ 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन है, ठीक है। उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा बेलन रखा हुआ है। वेरी गुड, ये 10 और 3.5 और इसका जो है 7 और ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक घन मीटर छड़ का भार 10,000 किलोग्राम है, तो छड़ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। और आपको ऑप्शन जो है 35 के अराउंड में दिए हुए हैं सारे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हमें इसका द्रव्यमान वेट निकालने के लिए, मास निकालने के लिए हमें इसका जो है वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका होता है πr² h सिलेंडर का। तो ऊपर वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 22/7, r² यानी कि 3.5 × 3.5 और h दिया है आपको 10। अब ऐसे ही ये 22/7 × 7 का स्क्वायर 7 × 7 और × h 20। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट गया, 2 से 11 35 हो जाएगा। 35 से 11 भाग मल्टीप्लाई करोगे तो 385, ठीक है। और ये 7 से 7 कट गया, 22/7 154 का हो जाएगा ये 308 3080। और जब आप इसे जोड़ करोगे तो 3465, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। बट आप समझिए कि इसने जो है 1 मीटर क्यूब बोला है 10,000 किलोग्राम के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करूँगा तो 10^6 हो जाएगी, ये इतने ही 10^4 है किलोग्राम। जब ये चेंज हो जाएगा, ये मीटर क्यूब में चेंज हो चुका है, तो 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका 1 kg के बराबर, ठीक है। 100 मीटर क्यूब आ जाएगा आपका 1 kg के बराबर, सॉरी ये 1 मीटर क्यूब से मैंने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया ना, हाँ तो ये सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका 1 kg के बराबर, ठीक है। मीटर क्यूब को मैंने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करा है, तो फिर ये 10^6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू आप बता सकते हो, ज़रूर बता सकते हो, 1/100 kg। तो ये जो हमारे सेंटीमीटर क्यूब आए हैं इसकी वैल्यू नहीं बता सकते आप, बता सकते हो 3465 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका इतनी हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 से पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि 34.65 किलोग्राम ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल है, आप करके देख सकते हैं। ये वाली चीज़ समझनी है बस, और कुछ नहीं है ना। बाय।